All right. You can do this. I've got you. हेलो फोक्स, तो हम फिर से आ चुके हैं एक नए एपिसोड के साथ। ये है वार क्राई 3। वेलकम बैक टू माय चैनल डेथ हैकर। एंड गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि हम जो बॉस के अड्डे से वहाँ से निकले तो हम भागते हुए आ रहे थे, लेकिन मेरे भाई को इन लोगों ने मार दिया। फिर हमें भागना पड़ा मुझे, और मैं भागते हुए यहाँ पे जब ब्रिज क्रॉस कर रहा था तो यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ गया और मैं पानी में गिर गया। यहाँ पे एक आदमी ने अभी मुझे बचाया और वो मुझे लेके जाएगा अपना घर। तो उसके बाद क्या होता है देख लीजिए इस इंट्रो के बाद। Speaks to the warrior. The path leads to the heart of the jungle. Follow the path and you will find the answer. तो गाइज, जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे हम उसके घर पे आई थिंक आ चुके हैं, और यहाँ पे कुछ राक्षस जैसा दिखाई दे रहा है, कोई डीमन है यहाँ पे ऊपर। मैं शायद लेटा हूँ और ये मेरे हाथ में कोई टैटू बना रहा है। तो गाइज, हम आगे जानेंगे इस टैटू का क्या मतलब है। It is brave to swim a storm, but to sunbathe. तो गाइस, यहाँ पे मुझे एक चाकू दिखाई देता है, तो मैं उसे उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये देख लेता है और you have the right ये होता है to take my life. But no, I will also take yours. I am Dennis. तो भाई, जिसका नाम दिनेश है और ये मुझे चाकू दे रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि ये मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है। लबा लबा, the heron, the shark and the spider, I know who you are, Jason. You are a warrior, and the tatau will allow for you to reveal your true self. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. So you'll help me. तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो, मेरा हालत एकदम पतली है और मैं यहाँ से मतलब जैसे तैसे आके यहाँ पे पहुँचा हूँ। लेकिन यहाँ पे जब मैं बाहर जाता हूँ तो यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे सिला की जवानी गाने चल रहे हैं और लोग बहुत मजे कर रहे हैं। ये देखो, तो सिर्फ यहाँ पे मेरा ही बैंड बजा हुआ है, यहाँ पे मजे में है। Dalamat Tengahari, I have Jason Brody with me, the man who escaped Vast Camp alive. Not escape, it is a sign that the battle has turned. Our people are in need of good news. So, these are your people? The island calls to the strongest. It called to me. The island dwellers, the Rakyat. तो भाई, जिस आइलैंड का नाम राकियत है, और मैं हूँ जेसन ब्रोडी और ये है दिनेश। तो गाइस, यहाँ पे क्या हुआ कि ये मुझे कुछ पैसे देने वाला है, जो कि मैं वहाँ शॉप में जाके कुछ गन खरीद सकूँ। तो ये देखिए, ये मुझे $60 दे रहा है, मतलब बहुत ही कम पैसे हैं, लेकिन इसमें मुझे एक गन भी मिल जाएगा। अभी देख लेना। What do they say in America? This is the first time for everything. तो भाई, जब यहाँ मैं जाता हूँ उस गन शॉप में, तो यहाँ पे देखता हूँ एक दादी। What would you like to buy? तो भाई, 1911, ये जो एक गन है, मैं उसे बाय कर चुका हूँ। Those radio towers online.
If you don't, I can't get new stock in from the remote. और यहाँ पे दादी कह रहे हैं कि जब मैं कुछ रेडियो टावर जो है उसे फ्री करूँगा तो मेरा जो गन बहुत कुछ अनलॉक हो जाएगा. तो ये क्या मजरा है ये आगे जाके पता चलेगा. तो अब मुझे दिनेश कह रहा है कि मैं उसके पीछे जाऊँ. तो मुझे गाइज क्या है कि मुझे अब मेरे फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड मेरे भाई सभी को ढूंढना है और सबको इकट्ठा करके इस जहन्नुम से निकलना है. तो गाइज मैं अब इसके पीछे जा रहा हूँ. यहाँ पे मुझे एक मिशन मिला है. वो मिशन है कि मैं कुछ रेडियो टावर है जिसे जाम करके रखा है बॉस ने, तो मैं उसे फ्री करने जा रहा हूँ. Each tower covers a limited area. Climb them all and you will reveal the entire map. तो ये बहुत ही धीमा चल रहा है तो मुझे उसके पीछे बहुत ही धीमे धीमे चलना पड़ रहा है. और यहाँ पे जब मैं उस घर के पास पहुँचता हूँ तो वहाँ पे मुझे मिलता है बहुत कुछ चीज जो कि जैसा आप देखेंगे. तो इस घर में देख लीजिए मुझे क्या मिलता है. ये देखिए बक्से में मुझे पैसे मिलते हैं और कुछ चीज़ें जो मैं आगे जाके बेच सकता हूँ जिससे मैं कुछ पैसा कमा सकता हूँ. और उसी से मैं कुछ गन या कुछ आमो या कुछ मैप ऐसे बहुत सारी चीज़ मैं खरीद सकता हूँ. तो मैंने जब पता चला मुझे कि यहाँ पे कुछ मुझे मिलेगा तो मैंने पूरा एकदम छानबीन कर लिया. तो गाइज यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे भी कुछ पैसे पड़े हुए होते हैं. देखिए मतलब पैसे खुले में पड़ रहे हैं. तो गाइस यहाँ पे हमें ऊपर जाना है जहाँ पे हमारा रेडियो टावर है जो इन लोगों ने जाम करके रखा है. तो गाइस वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ मैं देखता हूँ जिसे देख के मैं भी डर जाता हूँ. ये देखिए रेडियो टावर कितना बड़ा है. लेकिन गाइस क्या करें इसे फ्री करना ही होगा क्योंकि मैं तो फंसा हुआ हूँ. ये लोग जो भी कहेंगे मुझे करना होगा. तो यहाँ पे देखिए मुझे गाइस एक सांप मिला हुआ है जो सांप मुझे काट सकता था. तो ये काटने से पहले मैं इसे उड़ा देता हूँ. ये देखिए तो भाई इसे मैं मार चुका हूँ. फिर मैं कुछ लूट खसूट में लगा जाता हूँ. यहाँ पे देखिए यहाँ से कुछ लूटा हुआ हूँ मैं. और आगे से भी मैं कुछ डिब्बे से कुछ लूटा हुआ हूँ ये. और फिर गाइज मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ता हूँ. तो यहाँ पे जब मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कहीं गिर ना जाऊँ. तो देखिए किसा टूटा फूटा हुआ ये टावर है. तो बहुत ही डर लग रहा था शायद गिर जाऊँ तो क्या मर जाऊँगा. लेकिन गाइज ये कुछ टूटता नहीं है. तो यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ. यहाँ पे देखिए कितना अच्छा नज़ारा है. लेकिन हमें आगे जाके ऊपर पूरा नज़ारा दिखने मिलेगा जो कि बहुत ही सुंदर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना ही अच्छा आइलैंड है. लेकिन क्या करें ये इन गुंडों ने यहाँ पे इसे तबाह करके रख दिया है. तो यहाँ पे मैं रेडियो को फ्री करता हूँ. ठीक है यहाँ पे कुछ जामर लगा हुआ था जिसे मैं फेंक देता हूँ और इसको एक्टिव कर देता हूँ. तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रेडियो टावर एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे सभी एरिया लोकेट हो रहा है. यहाँ पे कुछ चर्च भी है. ये पानी कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है. देखिए गाइज तो गाइज यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो चुका है और मैं नीचे जाता हूँ. तो मैं इस रस्सी के वजह से मैं नीचे चला जाता हूँ. और यहाँ पे मुझे फिर से दिनेश मिलता है. Nice ride, huh? It's done. Good. Show me a map. तो गाइज यहाँ पे देखिए मेरा मैप एक्टिव हो चुका है. और यहाँ पे मुझे ये कुछ समझा रहा है मुझे कैसे सब कुछ करना है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा एनिमल है कौन सा एरिया है लोकेशन क्या है. यहाँ पे देखिए गाइज मैं जैसे कह रहा था कि कुछ गन मुझे फ्री मतलब अनलॉक हो जाएगा. तो यहाँ पे अनलॉक हो चुका है.
It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fail. Not nature. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses, and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts. तो गाइस यहाँ पे मुझे एक नया मिशन मिल चुका है और ये मिशन है कि मैं कुछ हंटिंग करूँ, तो मुझे यहाँ अब जाना होगा। तो मैं मुझे आगे एक गाड़ी मिलता है तो मैं इसी गाड़ी के हेल्प से मैं चला जाता हूँ। तो ये देखिए, मतलब ये गाड़ी एकदम अच्छा चलता है। मुझे मैं गाड़ी चलाना ठीक से नहीं आता, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी तरह से गाड़ी चलाना आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो मिशन है इससे हमें कुछ प्लांट लेना है, तो मैंने ये रेड लीफ ले लिया, फिर मैं ग्रीन लीफ लिया। ये जो ग्रीन लीफ है ये बहुत ही हेल्पफुल है आगे जाके, तो आपको आगे पता चल जाएगा कि ग्रीन लीफ का काम क्या है। तो गाइस यहाँ पे हमें कुछ बोर चाहिए, तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है और देखिए मैं उसे किस तरह से मारता हूँ। तो देख लिया गाइस किस तरह से एकदम गोलियों की बच कर दिया, बचा कर दिया। और गाइस यहाँ पे हमें कुछ ग्रीन लीफ फिर से मिलता है और मुझे चाहिए था और एक लास्ट वो है जो है ब्लू लीफ। तो यहाँ पे जब मैं पानी के नीचे आता हूँ तो मुझे एक अजीबोगरीब सी पत्थर दिखती है जो कि एकदम मगरमच्छ की तरह दिखता है। तो मैं डर गया क्या ये मगरमच्छ है, लेकिन नहीं था। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ और मैं जल्दी से ऊपर जा चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छ हो तो मुझे खा सकता था। तो गाइस यहाँ पे जब मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे और एक बोर मिलता है, तो देख लीजिए उससे मैं किस तरह से एकदम से गोलियों की पछाड़ कर देता हूँ और इसे मार लेता हूँ। मार चुका हूँ और यहाँ से उसके स्किन में अब लेने वाला हूँ, जो कि अभी मैं ले लूँगा। तो गाइस यहाँ पे मैं एक गलती कर देता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे मुझे गेम के कहा जाता है कि मुझे फास्ट ट्रैवल करना है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि उसे अनसुना करके मैं गाड़ी से चला जाता हूँ आगे। तो गाइस होता ये है कि आप देख लीजिए मुझे मेरे साथ उसके बाद क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे मुझे वार्निंग भी मिला था लेकिन मैंने देख नहीं पाया, तो मेरा मिशन फेल हो गया। और गाइस यहाँ पे मुझे क्या है कि मुझे फिर से वही जगह पे चला आया मैं। तो यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे अभी फास्ट ट्रैवल कर लेता हूँ। तो फास्ट ट्रैवल कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। तो इसे क्या होता है कि मैप में जाना है और जो जिस पॉइंट पे आपको जाना है वहाँ पे आपको एंटर कर लेना है और आप चले जाएंगे, जो कि मैं अभी चला गया। वो आके सीधा मैं रूम के अंदर, मेरे जो रूम है उसके अंदर चला आया। तो मैं फिर पहले वो दिनेश को ढूँढता हूँ, तो यहाँ पर दिनेश मुझे मिलता है बाहर। Dennis, I've got the plants and animals. Good. Then bend nature to your will. I will teach you. तो गाइस यहाँ पे मुझे क्राफ्टिंग करना सिखाता है दिनेश। तो यहाँ पे जो ये है
जो ग्रीन लीफ है उसी से हम क्या बना सकते हैं कि हम हेल्थ को मतलब इंक्रीज कर सकते हैं अगर कुछ डैमेज हुआ है। तो गाइस यहां पे मैं क्राफ्ट कर लेता हूं। नाउ यूज द स्किन्स ऑफ द एनिमल्स यू किल्ड टू एनलार्ज व्हाट यू कैन कैरी। क्राफ्टिंग विल अलाउ यू। तो गाइस मेरा जो थैली है उससे भी मैं क्राफ्ट करके उसे अपग्रेड कर लेता हूं। वो स्किन से जो स्किन मैंने उन बोर को मार के ले आया था। यू हैव द सोल ऑफ अ वॉरियर। यू प्रोग्रेस्ड अलोंग द पाथ। लेट मी शो यू हाउ टू ऐड टू देम। तो गाइस यहाँ पे मुझे स्किल सिखाता है डिनेसिस के बाद, जिससे मैं क्या है कि अपनी जो किलिंग कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो सब बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे ये कहता है कि टेक डाउन जो है ये वाला, ये देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आप चाकू का यूज बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, जो कि मैं आगे जाके करने वाला हूँ। बहुत जबरदस्त तरह से मैंने मारने वाला हूँ। तो इसे मैं ऑपरेट कर लेता हूँ। You have done well, Jason. तो देखिए गाइस जो टैटू मैंने बनाया था उसमें कुछ अपग्रेड हो गया, लेकिन इसके बीच में मुझे एक कॉल आ गया जो कि था ये। Hey, Felipe, we are driving to the outpost near Amanaki. We have one of the Americans. Come, have some fun. What the hell? Lisa. Oh shit. We have to get her back. तो गाइस यहाँ पे लीजा का मुझे कॉल आया, तो मैं अभी इसके साथ जाने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे लीजिए क्या है कि मेरा फ्रेंड है, तो इसके साथ मैं जाके उसे रेस्क्यू करने वाला हूँ। तो गाइज ये था आज का वीडियो, अब तक के लिए इतना ही। हम आगे जाके लीजा को बचाएंगे, इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और मुझे थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट भी करो। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।